उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता का आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता का आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ की कई टीमें लगाई गई थी। मिली जानकारी के अनुसार श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर सख्ती दिखाई थी। उन्होंने श्रीकांत त्यागी मामले में गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। बता दें कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता रहा है, इसकी कई तस्वीरें बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हैं। हालांकि इस कांड के बाद बीजेपी इसे अपना नेता मानने से इनकार कर रही है। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद सांसद महेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास दिलाया था और हमारी मातृशक्ति विश्वास कर सकती है कि जब भी कोई संकट आएगा हमारे मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन साथ खड़ा है। महेश शर्मा ने बताया कि एक घंटे पहले ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की थी, उन्होंने भी विश्वास दिलाया था कि जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तार में 12 एसटीएफ टीमों समेत अन्य पुलिस की टीमें लगाई गई थी। उसकी तलाशी के लिए यूपी से उत्तराखंड तक छापेमारी भी चल रही थी। इस मामले में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का भी बयान सामने आया था। उन्होंने इंटेलिजेंस विभाग की भी टीमों से भी सहयोग मिलने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज 24। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।